दिल्ली के थाना स्वरूप नगर इलाके में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना एरिया में लोग हजारों बोतल खुले आम बेच रहे हैं, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि ये जगह है कादीपुर कुशक भट्टा रोड, या सभी स्वरूप नगर थाने के अंतर्गत आते हैं, जहां नशे का कारोबार बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। यह सभी कारोबार प्रशासन की मिली भगत से होता है, वरना एक तरफ दिल्ली पुलिस बड़े बड़े क्राइम को चंद मिनटों में व चंद घंटों में सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एरिया में इतने खुलेआम शराब की बोतलें यहां के लोग बाग बेचते हैं। जैसा कि हमारी एवाई मीडिया न्यूज की एक टीम स्वरूप नगर थाना के अंतर्गत गई, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि शराब कहां मिलती है, तो लोग बिना हिचकिचाहट के सीधा एड्रेस बताते हैं। जब तो पूछ के आया उनसे, मैं अब पता ही नहीं था, उन्होंने पहले बताया, मैं आगे चला गया नहीं। और जब हमारी टीम वहां पर जाकर शराब की बोतलें मांगती है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में शराब विक्रेता अपने पास में ही बोतल की बेटी वही किसी बोरी में रखकर बैठा रहता है, और बड़े आराम से बिना किसी डर के शराब की बोतलों को बेचता है। एक तरफ बाहरी जिला पुलिस नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाती है, दूसरी तरफ यहां के लोग खुलेआम इतनी भारी मात्रा में शराब बेचते हैं। विषय खाली शराब बेचना नहीं, विषय यह है कि एरिया में इतनी भारी मात्रा में शराब आती कहां से है। यहां कोई सप्लाई तो नहीं आता क्या? यहाँ हरियाणा के बॉर्डर से इन शराब की बोतलें आती हैं। दोनों